हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सबसे छोटे कज़िन के लिए। सो मैंने उसके लिए ये हुक बनाया है जिसपे हम उसके फुटप्रिंट्स लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुक लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लकड़ी वाला भी ले सकते हो, बाकी बन इस पर भी जाएगा। तो ये जो है ये 9 इंचेस का है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको 8 इंचेस चाहिए या उससे छोटा चाहिए या उससे और भी बड़े बड़े चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का क्लोथ लिया है और उसको इस पर इस तरीके से सेट कर दिया है। कोशिश करेंगे कपड़ा जो हो वो कॉटन का ही हो या फिर ऐसा जिस पर जो पेंट है वो रुक सके, पीछे छने ना। सो इसको इस पर सेट कर देंगे। इसके बाद पेंसिल से अपने हिसाब से जो भी आपको ड्रॉ करना है उसका एक स्केच बना लीजिए ताकि आपको कलर फिल करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने फेविक्रिल कलर्स का इस्तेमाल किया है। ये फैब्रिक प्रिंट्स हैं और ये आपको पूरा बॉक्स भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, या फिर आप चाहो तो एक एक पीस जो भी आपको कलर चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने ब्रश की हेल्प से पेंट कर दिया है यहाँ पर। मैं इस पर कुछ डिटेल्स भी फिल करूँगी, जैसे कि बेबी का कब बर्थ हुआ था, डेट क्या थी, मंथ क्या था, उसका वेट कितना था। जितने भी डिटेल्स आप फिल करना चाहें इस पर लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बना करके उसको अपने कलर्स के अकॉर्डिंग फिल कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर दीजिए। अब जो पीछे का ये बचा हुआ कपड़ा है इसको बैक साइड पर ग्लूगन की हेल्प से इसको स्टिक कर दीजिए ताकि ये निकले ना। इस तरीके से आप इसको हर तरफ से इसको चिपका देंगे। और इसको और डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके साइड में ये लेस लगाई है कलर के अपने अकॉर्डिंग। और आप चाहें तो इस पर बीट्स भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको लेस से ही डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए, लेस लगा के मैं ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और अब हम पहुँच चुके थे बरेली, तो मैंने वहाँ पर बेबी के फुटप्रिंट्स लिए हैं। छोटे बच्चे हैं, उसका एक फुटप्रिंट तो बहुत ही अच्छा आ गया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो उसने बहुत मुश्किलों से करवाया, वो भी सही नहीं निकला। सो ये तो बच्चों के साथ में लगा रहता है, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो मैंने दोनों ही फुट के इसके प्रिंट्स ले लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।